दोस्तों निम्बस पोस्ट लॉगिन या निम्बस पोस्ट पर मैनुअल ऑर्डर कैसे प्लेस करें, या निम्बस पोस्ट ट्यूटोरियल, निम्बस पोस्ट शिपिंग के बारे में बेसिक ट्यूटोरियल है। तो इसके पहले कि मैं शुरू कर दूं, मेरा टारगेट है कम से कम 100 लाइक्स, 100 शेयर्स, 100 सब्सक्राइब्स, और इस चैनल के दूसरे वीडियो देख लेना ताकि आपको फुल पिक्चर मिल जाए। इस वीडियो के बाद दूसरे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप चैनल में जाके देख लोगे तो आपको क्या क्लियर आइडिया मिल जाएगी। तो निम्बस पोस्ट लॉगिन के लिए आपको एक बार आपका KYC कंफर्म्ड हो गया तो उसके बाद लॉगिन के लिए ये URL जो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन देख लेना। तो डिस्क्रिप्शन के बाद निम्बस पोस्ट के ट्यूटोरियल में आपको निम्बस पोस्ट न्यू ऑर्डर कैसे पेश करें, तो देखो ये डैशबोर्ड खुल गया है। ये देखिए आप पॉइंटर पर ध्यान देना, ये ऑर्डर्स का सेक्शन है, इसको क्लिक करना है। ये खुलने के बाद ये देखिए क्रिएट ऑर्डर, इसको क्लिक करना है। तो इस पे तीन है, फॉरवर्ड ऑर्डर मतलब जो पहला ऑर्डर आपको किसको बेचने का है, रिवर्स ऑर्डर मतलब अगर किसी ने आपका माल आपको वापस लेने का है, किसी को बेच के उसको वापस लेने का है, तो मेरे को ये फॉरवर्ड ऑर्डर को क्लिक करने का है। उसके बाद आपको मेनली यहाँ पे पहला ऑर्डर आईडी, इसमें कोई भी आप अपना नाम डाल सकते हो या अपने, ताकि आप इजिली रिमेंबर कर सको काय के बारे में ऑर्डर है। फिर यहाँ पे आप भूलना नहीं, अगर आपका प्रीपेड होएगा तो इसको प्रीपेड कर देना, नहीं तो क्या आपका पेमेंट होने के बाद भी वो दोबारा वहाँ पे पैसा मांगेगा, नहीं तो कस्टमर को पैसा नहीं देगा, ये छोटी गलती है लेकिन ध्यान देना। फिर शिपिंग इन्फॉर्मेशन में आपको बेसिक आइडिया बनेगी, फर्स्ट टाइम लास्ट में कंपनी में, एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट, फोन, ये डाल के अगर आपका डिलीवरी एड्रेस और बिलिंग इन्फॉर्मेशन सेम है तो आपको ये चेकबॉक्स फिट करना है, तो आपको ये सब भरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट के बारे में जो बेसिक डैशबोर्ड होता है सेलर शिपिंग का, उसमें नेम, क्वांटिटी, अमाउंट, SKU डालना है। उसके बाद वेट, सेंटीमीटर, डायमेंशंस करके यहाँ पे सेव करना है। ये सेव हो जाने के बाद आपको यहाँ से शिपमेंट्स में आने का है। शिपमेंट्स में आने के बाद जो आपने सेव किया था वो यहाँ पे दिखेगा, तो उसका ये चेक, इसको चेक करने का है, और यहाँ पे आपको शेड्यूल पिकअप को करने का है। तो शेड्यूल पिकअप करने के बाद, हो जाने के बाद आपको फिर उसी को क्लिक करके यहाँ पे लेबल प्रिंट करने का है, और बॉक्स को लेबल चिप चिपका के रखने का है। तो क्या टाइम पे आदमी लेके एक बार रेडी हो जाएगा पैकेज। और शेड्यूल पिकअप में आपको, जैसे मैं एग्जांपल बता दूँ तो मेरा नहीं दिखा रहा क्योंकि ये पहले से पास्ट ऑर्डर है, तो आपको क्या शेड्यूल पिकअप के बाद आपको कुछ 6-7 कुरियर कंपनीज के चॉइस आ जाएंगे, उसमें से किसको सिलेक्ट करने का है, जैसे कि डिलीवरी है, DTDC है, ईकार्ट है, स्मार्टर कंपनी है, और ब्लू डार्ट है, उसमें से चूज करने का आपके कितना वेट है पैकेज उसके मुताबिक। तो कम पैकेज वेट होएगा तो आपको कम पैकेज का डिलीवरी कंपनी चूज करने का है, उसके बाद अपना, उसके मतलब आपका प्राइस भी कम हो जाएगा। और सिलेक्ट करने के बाद आपको प्लेस ऑर्डर कर दोगे ना, तो फिर आपका क्या ये आपको AW भी आ जाएगा लिंक, वहाँ से आप अपने AW अपने कस्टमर को बेच के ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो।